चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। अस्पताल में क्या इमरजेंसी, क्या ओपीडी, क्या आईसीयू, क्या साधारण वार्ड, हर जगह बस कोरोना के मरीज हैं। एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोगों को देखकर दिल कांप जाता है। लेकिन इन सब के बीच कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हैलेट अस्पताल के शिशु चिकित्सा वार्ड में एक 6 महीने की बच्ची को रेमडेसिविर इंजेक्शन देना पड़ा ताकि उसे बचाया जा सके। डॉक्टर की माने तो अब तक जितने नवजात बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे उन्हें किसी मेजर इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, महज बुखार की दवाइयों से ही वो ठीक हो गए। लेकिन पहली बार किसी 6 महीने की बच्ची को हाई पावर एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर देने की जरूरत पड़ी, जो खुद में काफी चौंकाने वाला मामला है। हमारे हैलेट के बाल रोग चिकित्सालय में छोटे नवजात शिशुओं के लिए हमने 10 बेड का एनआईसीयू शुरू किया, जहां पे वेंटिलेटर भी है, और बड़े बच्चों के लिए बाल रोग चिकित्सालय में हमने 10 बेड का आइसोलेटेड वार्ड बना लिया, जो कि जिलाधिकारी कमिश्नर महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय के संस्तुति के बाद ही हमने शुरू किया। अभी तक हमारे पास 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे भर्ती हो चुके हैं। खास बात यह है, सारे के सारे बच्चे हल्के सर्दी जुकाम बुखार करके आए थे, और इनको हमने कोई भी दवाई नहीं दी, केवल बुखार की दवाई दी, सारे सारे बच्चे सही हो गए। एक बच्ची थी 6 महीने की, त्रिषा नाम था उसका, उसको हमने अपनी कमेटी के, हमारे यहाँ रेमडेसिविर देने के लिए कमेटी है, कमेटी से अप्रूवल लेके उसको 5 डोज रेमडेसिविर दिया, अब वो बच्ची भी हमारी सही हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि 100% बच्चे सही होके घर गए, किसी बच्चे में कोई नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना है, दूरी बना के रखना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइज करते रहना है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरा बनी थी, जबकि दूसरी लहर युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वहीं जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी साफ किया है कि अगर समय रहते लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं तो तीसरी लहर के नुकसान से बचा जा सकता है। यूपी तक के लिए कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट।